हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से टॉप 15 क्वेश्चंस तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देख लेना इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी मिलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1920 सेकंड ऑप्शन है 1930 थर्ड ऑप्शन है 1951 फोर्थ ऑप्शन है 1960 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है 1951 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर सी एच स्टैंड फॉर आर सी एच का क्या मतलब है फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ सेकेंड ऑप्शन है रिप्रोडक्शन कम हाइजीन थर्ड ऑप्शन है रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हजर्ड फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमनियोसेंटिस इज ए टेक्निक यूजड फॉर यानी टिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिटरमाइन एररस इन एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो सेकंड ऑप्शन है डिटरमाइन एनी हेरीडेटरी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बोथ फोर्थ ऑप्शन है नन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है यानी एमनियोसेंटिस की मदद से हम एम्ब्रियो में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉपर आयस रिलीजेड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा एंट्राट्रेन डिवाइस यानी कॉपर रिलीजिंग इंट्रा एंट्राट्रीन डिवाइस से जो कापर आयस रिलीज होते हैं उनका क्या रोल है फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिवेंट ओवलेशन सेकंड है सप्रेस मोर्टिलिटी थर्ड है मेक्यूटस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लानशन फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है पर मोर्टिलिटी नेक्स्ट वन है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज यानि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट बताना है औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ हारमोन सेकेंड है प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन थर्ड है थायरॉक्सिन फोर्थ है ल्यूटीनाइजिंग हारमोन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन है यानि प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन नेक्स्ट वन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी कौन सा मेथड हमें फुल प्रूफ देता है कि अगर हम वो परफॉर्म करेंगे उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्लांटेशन, सेकंड है कॉन्डम्स थर्ड है स्टरलाइजेशन फोर्थ है लैक्टेशनल एमनोरिया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है स्टरलाइजेशन जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज इन यानी जो एमरजेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रासीप्टिव यूज किए जाते हैं वो इफेक्टिव कब होते हैं फर्स्ट ऑप्शन है सेवनटी टू आवर्स ऑफ कटस सेकेंड है सेवनटी टू आवर्स ऑफ आविलेशन थर्ड है सेवनटी टू आवर्स मैनचूरेशन फोर्थ है सेवनटी टू आवर्स ऑफ इम्पलान तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है सेवनटी टू आवर्स ऑफ कॉटस नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसली लेक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कॉन्सीव ड्यू टू यानी जो लैक्टेशन पीरियड में मदर्स होते हैं वो जनरली कॉन्सीव नहीं कर पाते हैं किस वजह से ये होता है ये हमसे पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सप्रेशन ऑफ गोनीडोट्रॉपिनस सेकेंड है हाइपर सेक्रेशन ऑफ गोनीडोट्रापिनस थर्ड है सप्रेशन ऑफ गेमेटिक ट्रांसपोर्ट फोर्थ है सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ गोनेटोड्रोपिनस नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो विद मोर देन सिक्सटीन ब्लास्टोमियर्यरस फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इन यानी अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हुई है और उसमें जो एम्ब्रियो बना है उसमें 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है तो फिर हम उसे कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन है यूट्रस सेकंड है फ्लोपियन ट्यूब थर्ड है फेम्ब्रियस फोर्थ है सर्विक्स तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है यूट्रस नेक्स्ट वन है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज़ किया जाता है फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सेकेंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिज थर्ड है हॉर्मोन इंजेक्शन फोर्थ है implantis. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट वन है हमारे पास विच ऑफ दंगली क्योरेबल। यानी इनमें से हमें उन एसटीडीज का नाम बताना है जो कि कम्प्लीटली है फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडस एंडल्स सेकेंड है एड्स एंड जेनिटल वार्डस फोर्थ है एडस जेनिटल हर्पज एंडस बी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एम टी पी इन यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एम टी पी को कब लीगलाइज किया एम टी पी को हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं एबारशन फर्स्ट ऑप्शन है 1951, सेकंड है 1962 थर्ड है 1990 फोर्थ है 1971 तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर फोर्थ ऑप्शन है 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम टी पी इज सेफ जूरिंग यानी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये सेफ कब होता है फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सेकंड ट्राइमिस्टर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास थर्ड ट्राइमिस्टर और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द एबो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है यानी फर्स्ट ट्राइमस्टर के दौरान एम सेफ होता है यानी फर्स्ट ट्राइमस्टर हमारा ट्वेल्व वीक्स के बराबर होता है नेक्स्ट वन है गिफ्ट टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर दो फीमेल्स यानी जो गेमीठ इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर टेक्निक है वो हम किन फीमेल्स के लिए रिकमेंड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हु के नॉट प्रोड्यूस इन ओम सेकेंड है हु के नॉट रिटेन फीटस इन साइड यूटरस थर्ड है हू कैन नॉट प्रोवाइड सुइटेबल एन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन फोर्थ है ऑल ऑफ द एबो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग सुपर्म इनटू ओवम इन एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड यानि हमें वो मेथड बताना है जिसमें हम सुपर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गिफ्ट सेकंड है जिफ्ट थर्ड है आईसीएसआई सी फोर्थ है आईयूसीडी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है आईसीएसआई, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सुपर्म इंजेक्शन तो ये था हमारी इस आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहिए हमारे साथ बने रहिए इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़